हेलो फ्रेंड्स, कॉर्न सीजन की अपनी अगली रेसिपी जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो है फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स कॉर्न सैलेड की रेसिपी है जो कि हाईली न्यूट्रिटिव और रिच है। तो यह इस रेसिपी के लिए हमको इंग्रेडिएंट देख लेना है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमको लगने वाले हैं उसके लिए हमने यहाँ पर एक कॉर्न लिया है जिसके दाने निकाल लिए हैं चाकू की सहायता से। मैंने यहाँ पर एक एप्पल लिया है जिसे कि इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। एक मैंने अनार लिया है जिसके दाने निकाल लिए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं यहाँ पर मैंने। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर काली मनुका, अखरोट, बादाम और काजू जिनको मैंने 5-6 घंटे पहले भिगा के रख दिया था ये लिया हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर और काला नमक लिया हुआ है जो टेस्ट बढ़ाने वाला है। साथ ही मैंने यहाँ पर शहद ले रखा है। तो अभी हमको ये रेसिपी शुरू करनी है। इसके लिए मुझे गैस को ऑन कर लेना पड़ेगा क्योंकि हमको जो मक्के के दाने हैं इसको थोड़ा दो मिनट के करीब स्टीम कर लेना है। अभी मैं ये पैन में कॉर्न के दाने ऐड कर लूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए होने देने वाली हूँ मैं। इसमें कुछ भी नहीं डालना है हमको क्योंकि ये न्यूट्रिटिव रेसिपी होने की वजह से बस थोड़ा सा हमको इसे स्टीम कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसे ढक दूँगी मैं। ये हम कॉर्न को चेक कर लेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। ये इसका रीज़न ये है कि इससे जो इसका पनीलापन होता है, जो पानी वाला टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और स्वीटनेस बढ़ जाती है जो कि सैलेड में अच्छा लगता है खाने के लिए। तो ये हमारा कॉर्न स्टीम हो चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और आगे की प्रोसेस के लिए हम एक बॉल ले लेंगे। ये बॉल में मुझे सब कुछ ऐड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो एप्पल हैं काटे हुए ये छिलके सहित काटे हैं क्योंकि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता है इससे। ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये ले लूँगी। काजू को ऐड कर लिया है। काली मनुका, बादाम और अखरोट इनको ऐसे ही रखने वाली हूँ मैं। ये आँखें जब फ्रूट्स इस सैलेड में दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये जो मैंने अनार के दाने निकाल के रखे हैं उसे भी ऐड कर दूँगी मैं। और साथ ही ये जो कॉर्न लिया हुआ था हमने स्टीम किया हुआ वो कॉर्न ऐड कर देना है। तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी यहाँ पर इस रेसिपी की। अभी हमको सबको मिक्स कर लेना है इसमें। तो मिक्स करने के पहले मैं यहाँ पर जो काला नमक और काली मिर्च ली हुई है उसे ऐड कर दूँगी जिससे इस रेसिपी का टेस्ट बढ़ सके। ये देखिए कितनी कलरफुल और बहुत बढ़िया रेसिपी दिख रही है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, कॉर्न दिख रहा है। तो ये हमारी रेसिपी स्वीट जल्दी से बनने वाली है कम समय में। ये बनके तैयार हो चुकी है हमारी। अभी इसमें ऊपर से हमको सिर्फ शहद ऐड कर देना है। एक टीस्पून शहद लिया है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। रेसिपी इज़ रेडी टू ईट। ये खाने के लिए तैयार है। तो ये बहुत छोटी सी और बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली और बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो अभी हमारी हेल्थ टिप्स जो होती है तो हमेशा मैं रेसिपी के साथ में एक हेल्थ टिप्स देती हूँ। तो हेल्थ टिप्स में मैंने हमेशा बताया है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कैलोरीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो कैलोरीज़ का जब भी हम ध्यान रखते हैं, हमको रोटी सब्जी और चावल दाल सब में कितनी कैलोरीज़ होती है ये मैं आपको पानीपुरी के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो खाने से पहले हम कैलोरीज़ का अगर ध्यान रखेंगे, हाईली जो कैलोरीज़ वाली चीज़ें होती है उसको नहीं खाएंगे, तो ये प्रिकॉशन अगर हमेशा लेते रहते हैं तो हमारी जो फैटनेस है वो बढ़ती नहीं है और हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपकी हेल्थ टिप्स थी आज की। और न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर बताऊँगी। न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इसकी, न्यूट्रिशन वैल्यू हाईली रिच है, इतनी ज़्यादा रिच है कि ये रेसिपी खाएंगे आप तो मतलब आपको शाम के समय भी ऐड करें या दोपहर के या दिन में किसी भी समय
तो आपको विटामिन्स बहुत अधिक मात्रा में, प्रोटीन्स और जितनी भी हमको चाहिए रहती है आवश्यक चीज़ें, वो सब हमको इस रेसिपी के थ्रू मिलने वाली है। तो मैं आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू शेयर कर लेती हूँ आपके साथ में। जितने भी हमने यहाँ पर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और कॉर्न लिया है, उसके कंबाइनली मैं आपको न्यूट्रिशन वैल्यू यहाँ पर बताऊँगी। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट पहले आता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर है। ये सभी इंग्रेडिएंट में विटामिन की भरपूर मात्रा है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, B12, बी कॉम्प्लेक्स, यानी आँखों के लिए, स्किन, हड्डियों, मसल और ब्रेन के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। बट ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो तो उनमें रक्त बढ़ाता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्रेन सेल को एक्टिव करते हैं, जिनको भूलने की समस्या होती है उनके लिए फ़ायदेमंद है। डाइट्री फाइबर्स अधिक मात्रा में होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को कम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, हार्ट, लीवर इसके लिए फ़ायदेमंद है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और सभी उम्र के लोगों के लिए ये न्यूट्रिटिव और फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से ये रेसिपी आप ज़रूर अपने घर में बनाएं और सब लोग इसे खा सके, इस तरह की ये रेसिपी है। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इस तरह की रेसिपी आप खाते रहेंगे तो हेल्दी तो ज़रूर ही रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।